हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग 95 ब्लॉग जुबेर के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं यसर एक्वेरियम के पास से, क्योंकि अब्दुल खानी स्टेट में स्टेट आने के पर आपको आने का लोकेशन डाल दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ का अंदर का फिश का वगैरह एक्वेरियम बेहतरीन है, जाकर देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है आपको, कैसे कैसे फिशेस हैं और फिशेस को कैसे कंट्रोल करना, कैसे मेंटेनेंस करना, उसका पानी कब बदलाना, तो वे लोगों से पूछेंगे, यहाँ ओनर है उनसे पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, अंदर का वीडियो पूरा डालूंगा। मेरे साथ आ चुका है रिजवान, पहली बार मेरे चैनल में आया है। ठीक है दोस्तों, चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। गाइस ये है रैगिट पार्क की रोड, ऐसा स्ट्राइट आ जाना है आपको। स्ट्राइट आते ही यहाँ पर लेफ्ट टू ले लेना है। ये अब्दुल खान स्टेट, अब्दुल खान स्टेट में ये है सीमेंट का दुकान। सीमेंट के दुकान के ड्राई फ्रूट के ऊपर आपको एसआर एक्वेरियम बोलकर है। ये देखो एसआर एक्वेरियम है, ऐसा फिश बर्ड्स आप सब कुछ मिल जाएंगे इधर, हमें जाने का रास्ता डालेंगे। ये है पानीपुरी की ये सीमेंट का दुकान है। ऐसा आपको स्टेप्स है, ऐसा चल जाना है आप। गाइस एक्वेरियम जाने का रास्ता है ऐसा, आपको सीढ़ियों के ऊपर भी है ऐसा, आपको चढ़कर ऐसा स्ट्राइड आ जाकर यहाँ से लेफ्ट गिरो, यहाँ से लेफ्ट है। गाइस ये एंट्रेंस है इसका, यहाँ देखो बर्ड्स वगैरह, यहाँ से लोकेशन है। बच्चे मच्छी लेने क्या? हाँ बेटा, कैसी है मच्छियाँ इधर के? अच्छे हैं। क्या बोलते हैं, कब से आ रही हूँ लेने? हाँ बोला, कैमरे में देखना। चार पाँच साल, अच्छे हैं ना मच्छियाँ? अच्छे हैं। तुम्हारे पास बल्ला की मच्छा? बोला कितने ले? छः बोला ले। गाइस देखते हैं, गाइस देख यहाँ पर फिश वगैरह बेहतरीन है। ठीक है गाइस, हम अंदर आ चुके हैं, भैया से पूछेंगे। भाई आपका नाम? शफी अहमद। भैया से पूछेंगे, इन्हें गाइड करती है हमारे को। आपको भी अब नए नए फिश एक्वेरियम लेना चाह रही हैं, तो इसको कंट्रोल कैसा करना, कैसा क्लीनिंग करना, आप भैया बोलती हैं हमारे। भाव भैया हाँ, और इसको कैसा मेंटेनेंस करना है फिश, फिश को कौन से भी फिश है? फिश के हिसाब से एक एक रहना, फिश थोड़ा फिश खाली बॉल ले लेके दो फिश डाल ले सकते हैं, चार फिश डाल ले सकते हैं। वाटर जो है वाटर में खाली फिश डाल लेके, वाटर एक्चुअली H2O है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल्स रखा, बॉल में रख लिया तो आप ऑल्टरनेट डे वो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से पहले वाटर चेंज कर लेना। नहीं ऐसा कुछ बड़ा सेटअप रखे समझो, इसमें ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन वगैरह सब रख लिया तो आप लोग 1 मंथ टू 1.5 मंथ को ऐसे क्लीन कर सकते। ये कस्टमाइज रहती है, मैनुअल रहती है, टॉप फिल्टर रहता, फिर थोड़े बहुत फिशेस रख लिया तो 1.5 मंथ 2 मंथ को ऐसा क्लीन कर लेते। अब इसमें थोड़े देर ये जस्ट लाइक ये है फ्लावरान, इसका एक्चुअली नेम है, ये इम्पोर्ट ब्रीड है, ये बैंकॉक मलेशिया थाईलैंड से इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब थोड़े जने इसको लक्की फिश भी बोलते हैं, एक्चुअली फ्लावरान इसका नेम है। ये जहाँ पे बात उधर आ जाता है, अच्छा वो होता, अच्छा ओनर को आइडेंटी करता, जारी बदल रही है। और एक ब्रीड है इधर अरोना, ये भी इम्पोर्ट ब्रीड है, ये भी बहुत से जने लकी फिश वासो फिश के फिश हां और बना ये सो फिश है, क्या रेट गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश है। अब थोड़े जने लकी फिश बोल के वो मेंटेन करते हैं, अच्छा वासो फिश लकी फिश बोल के, एक्चुअली थोड़ा इंडियन वासो फैंक्सी प्रकार है, मतलब ये एक प्लस वन, एक गोल्ड फिश एक ब्लैक फिश, ये ब्लैक डिस्ट्रिक बोल के रखते हैं। अच्छा ब्लैक डिस्ट्रिक बोल के रखते हैं, थोड़े जने वास्तु को बिलीव करते साले ऐसा रख लेते। अब वास्तु नहीं है हम लोग जो है घर में वन ऑफ द इंटीरियर, आजकल इंटीरियर को बहुत लगा रहे हैं, सो लाइटिंग इंटीरियर में भी वन ऑफ द इंटीरियर एक्वेरियम है। ये गोल्ड फिश है, ये पैरेट फिश है, पैरेट फिश हाँ, ये वाइल्ड वेराइटीज में आती है, ये कॉप्स है, बोलता कोई कॉप्स, अच्छा अभी इनका नाम नया वेराइटी आ रहा है, इसमें जो है वेल्डन कोई कॉप्स है, ये कोबोटो कोई कॉप्स है, ये सब नाम है फिशेस के। हाँ। ये चॉकलेट माली है, चॉकलेट माली छोटे छोटे ही चॉकलेट माली। हाँ अब यही साइज में बेबीज भी रख देते हैं, लोगों का साइज इंक्रीज नहीं होता। अच्छा यही साइज है, हाँ जिनका साइज अच्छा इंक्रीज होता, क्योंकि एक्चुअली जो है 5 to 6 ईयर स्पैन है, और अच्छा देखिए तो 12 to 15 ईयर।
और छोटा साइज भी आता कस्टमर जो है ये इससे इतना छोटा लेके 3-4 इयर्स उसमें उनके घर पे जो है बड़े हो गए थोड़े वो जी। अभी उनके टैंक में जो है सफिशियंट नहीं बोल के ला के दिए उसे। अच्छा, ये थोड़ा रफ रहती फिश। अच्छा, जल्दी बड़े होते हैं। हाँ, पॉक्स बड़े होते जल्दी बड़े। वो देखो 2-3 इयर्स के अंदर उतना बड़ा हो गया। अच्छा, कस्टमर के घर में ही बड़ा हुआ उसमें। इनको खाना वगैरह क्या डालते हैं? इनका फूड आता अलग से आता। मॉर्निंग एंड नाइट पर डे ट्वाइस डालना जी। मॉर्निंग इवनिंग या मॉर्निंग एंड नाइट जो आपको अवेलेबिलिटी टाइम है, जो पॉसिबिलिटी टाइम है, आप जो घर में जो टाइम रह रहे वो टाइम सेट कर लेके डाल लेना। हाँ, पर डे ट्वाइस डाल लेना। अच्छा, इनका नाम क्या है? ये जो है रेड कैप और अंडा गोले। अच्छा, रेड कैप। हाँ, ये भी बहुत लाइक करते हैं। उसको कैप रहता अभी जो हम लोग देखे गोल्ड फिश को। हाँ, वैसे कैप रहता। ये लैंड हेड है। लैंड हेड। अब घर में इंटीरियर को बड़ा सा था। हाँ, कौन से भी गेट्स आए थे गर्ल्स लाइक करते हैं। अच्छा, ये जो है माली से अभी जो थोड़ी देर पहले बच्चे लेके गए। हाँ, ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, छोटे अभी सार भी रामकृष्ण सार लेके गए। ये बड़े होते हैं? बड़े नहीं होते, ये साइज में रहते हैं। इन लोगों क्या है डायरेक्ट बेबीज रख देते हैं कस्टमर्स के अंदर नियर बाई 40-50-80-100 ऐसा रखते हैं। आने से पहले एग्जिस्ट कस्टमर है समझो, उन लोगों का पहले बोलते हैं हमारे पास ये फिश है बोलिए। तो हम लोग उनको क्या है उनके हिसाब से जो फिश सेट हो रहा है उनके जो टैंक में जो क्लब होता वही बताते हैं। नहीं नहीं भी लेना चाह रही तो अब उनके हिसाब से थोड़े जने वो वास्तु को होना बोल के बोलते हैं, तो वास्तु के हिसाब से उनको बताते हैं। नहीं थोड़े जने सिंपल से ऐसा रख लेना बोलते हैं तो उनके हिसाब से रखते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास जो है साइजेस ऑलरेडी बना के रहते हैं। हाँ, जो है 10-12 टैंक्स अवेलेबिलिटी में रहते हैं। ये जो है मोल्डेड है, रेडीमेड टैंक्स है। रेडीमेड टैंक्स है। हाँ, नहीं बोले तो आजकल जो है कस्टमर्स उन लोगों के घर में जिधर बड़ी प्लेट है जिधर उनको पॉसिबिलिटी है जिधर रखना बोले तो थोड़े जने क्या है आजकल थोड़े कलर स्टोन्स है नॉर्मल स्टोन्स रहते हैं। सैंड आता है आजकल सैंड बहुत डाल लेते लोग। सैंड में 5-10 कलर्स है। सैंड भी बताते हैं ब्लू है रेड है ऑरेंज छोटे छोटे आजकल के ये रेडीमेड टैंक्स में डाल लेते हैं लोग। अच्छा रहा है सैंड डाल ऐसा कुछ मेंशन करते हैं लोग। ये कभी गांव में कुछ जाते वक्त ये इंसर्ट कर दिया था स्लोली मेल्ट होता फिश को जो है एनर्जी डेवलप होता वाटर में डिजॉल्व होके। इसमें भी 4-5 वेराइटीज है हमारे पास हर चीज़ में 4-5 वेराइटीज मिल जाते हैं। ये फूड है ये बेसिक फूड है। फूड में भी बहुत रकम है और ब्लड वॉर्म्स आता शिम्स आता बहुत छोटे फिशेस की। हाँ अभी ये देखे ना बेटा फिश वाटर डाले ना और इसमें कलर्स है इसमें एक फिश आया था इसमें एक फिश आया था। एक्चुअली बेटा का ये जो है ब्रीडिंग केज है ये सारी ब्रीडिंग एक्वेरियम है ये भी बेटा फिश का चाहिए। बेटा फिश मेंटेनेंस जीरो रहता इसमें जो भी हमारे पास वो पॉसिबिलिटी वाटर सपोज घर में सब लोग मिनरल वाटर पीते रहते हैं मिनरल वाटर डाल के थोड़ा साल डाल के फिश डाल देना 1 वीक को एक बार पानी निकालना डाल देना। हाँ मेंटेनेंस पूरा जीरो रहता अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह ऑफिस वगैरह में भी आराम से रख ले सकते हैं। इसमें इनबिल्ट एलईडी टॉप फिल्टर वगैरह सब रहता है। ये बेसिक साइज है ये स्टार्टिंग साइज इधर भी है कैसा साइज कैसा जैसे साइज इंक्रीज होता रहता और मॉडल जो है इंक्रीज होता रहता उसके हिसाब से कॉस्ट होता है। अभी दोनों साइज एक ही है। अच्छा, इसी में सेम साइज है ये बिल्कुल फ्लैट है उसको थोड़ा बहुत फर्क रहता प्राइस ये फ्लैट है उसी साइज में ये हाफ कर और ये बिग साइज है पूरा। हाँ जो भी अभी किसी कस्टमर को ऐसे बड़े होना बोले तो भी हम लोग ऑर्डर बेस पे मंगा के देते मोटर फिश का फूड हो फिश का मेडिसिन हो कोई दूसरों को जो थोड़े जिन को क्या अंदर पानी में हाँ डेकोरेशन आइटम्स है ये हर बार चेंज होते रहते हैं। एक बार कॉन्स्टेंटली नहीं रहता ये बार ये स्टॉक है नेक्स्ट टाइम दूसरा आता ये भी प्लांट वगैरह है उसमें जो है डेकोरेट करने के लिए उधर भी बहुत वेराइटीज है। इंडियन पैंटल ये गार्डन में वगैरह छोड़ लेने के लिए अच्छा रहता ये ज्यादा में उड़ते हैं 10 फीट उड़ते होता है। वो फीमेल है वो वाइट वाला फीमेल है ये इसका मेल है।
मेल है इसका। ये ज्यादा बाहर फ्लाई होने के बर्ड्स नहीं है, छोटे थोड़े क्या बोलते हैं इसको, कायद करे बोलते हैं, मगर ये कायद करने का नहीं है, डोमेस्टिक है ये, इनको ऐसा ही पालना। ये बाई मिस्टेक निकल के उड़ गया भी समझो, कुछ चीन कभी खा लेते, बाहर सर्वे नहीं होते और बाहर इनको फूड जो है पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रहती, इनको ऐसा ही रखना, ऐसा फूड रखना, ऐसा ही पालना इनकी। ये चीजें कैसी है, इसको इसमें रखे तो पाप हो पुण्य ऐसा कुछ भी नहीं, पाप वगैरह कुछ भी नहीं, इसको रखने का तरीका भी है। इन बाहर गया तो इसको चीन कभी खा लेते, छोटा है घर में रहे तो अच्छा होता है, छोटे बच्चों को रहने, बड़े भी रहने, रिटायरमेंट के जो इसमें खाली सिंपल एक पीस या दो पीस डाल के इसमें मनी प्लांट छोटे घर के बाहर इसमें मनी प्लांट रख सकते, मनी प्लांट का रूट रखे तो मनी प्लांट इसके बाहर निकलता रहता, इसमें एक दो पीस डाल के रख सकते। इसमें साइजेस है, स्टार्टिंग साइज है, इसमें नंबर ऑफ साइजेस है, कलर्स है, ये भी अच्छी चीज है, वॉल माउंट ऐसा अच्छा एक चला दीवार पे लगाए तो भी अच्छा दिखता। फाइनली गाइस हम आपको फिशेज की नॉलेज, फिश को कैसा मेंटेन करना, कैसा ये करना पूरा डाल दिया हूँ मैं, भैया बोल दिए हैं आपको, आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो भैया से आकर पूछ ले सकती हैं, आपको फिश वगैरह चाहिए तो भी आने का पूरा लोकेशन डाल दिया हूँ, आप आकर ले सकते हैं, एक्वेरियम छोटे साइज से बड़े साइज तक पूरा मिलता भैया के पास। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा वीडियो डाल दिया हूँ, आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।